छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में अवैध अतिक्रमण लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि अंबेडकर चौक के सामने लगने वाले चाइनीज फूड के ठेले से यहां जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं यहां पर लोग अपने झूठे पत्तल भी फेंक रहे हैं, जिसे ठेले वाले नहीं उठाते, जिससे यहां पर गंदगी भी फैल रही है। इसी कड़ी में युवा जनधारा टीम आगे आई है। टीम ने जिला प्रशासन को यहां से अवैध अतिक्रमण हटाने की पुरजोर मांग भी उठाई है। युवाओं ने रोष जाहिर करते हुए कहा है कि यहां से अवैध अतिक्रमण जल्द ना हटने पर वे अपना संघर्ष और तेज करेंगे। यहां आपको बता दें कि जैसे ही शाम का समय होता है, वैसे ही लोगों की चहल पहल से छत्तीसगढ़ की कोसीर अंबेडकर चौक की रौनक बढ़ जाती है। आसपास के गांव के लोग अपने कई कार्यों के लिए कोसीर पहुंचते हैं और अंबेडकर चौक में लगने वाले चाइनीज फूड, नाश्ता, चाट गुपचुप व लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं और झूठे कागज पत्तलों को कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे पूरे परिसर में गंदगी पसरी रहती है। यहां तक कि ठेले वाले प्लेटों को धोने वाले गंदे पानी को भी वहीं बहा देते हैं। और तो और, अंबेडकर चौक के ठीक गेट के सामने सीख कबाब, एग रोल जैसे चाइनीज फूड की दुकानें लगाई जा रही हैं, जिसको लेकर युवा जनधारा टीम के सदस्यों ने गहरी नाराजगी जताई है। बताया जा रहा है कि दुकानदारों से गेट के सामने ठेले हटाने की अपील कई बार की जा चुकी है, लेकिन दुकानदार ठेले नहीं हटा रहे, जिसके चलते युवाओं का आज गुस्सा फूट गया और उन्होंने कोसीर थाना प्रभारी और सारंगढ़ विधायक को जहां ज्ञापन सौंपकर ठेले हटवाने की मांग की है, वहीं अपना रोष भी जाहिर किया है। मामले को बढ़ता देख सारंगढ़ विधायक ने कोसीर पहुंचकर सरपंच एवं थाना प्रभारी को गेट के सामने से ठेले हटवाकर व्यवस्थित जगह पर चौपाटी लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सारंगढ़ से संवाददाता श्याम कुमार पटेल की रिपोर्ट। यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को भी मना रहे हैं और साथ साथ यहाँ हमारे गांव के चौक में हमने बहुत बार प्रयास किया, सफाई अभियान चलाए, तब भी यहाँ के ठेले और टुमके लगाने वाले नहीं माने। उसके बाद हमने ठान लिया कि आगे आगे हम इसको मीडिया में देते हैं, तब जाके कुछ इसमें पहल हो पाए। और हम चाहते हैं कि यहाँ साफ़ सफाई अच्छे से हो, और हमने 4 से 5 बार प्रयास किया, सारे ठेले वालों को बोला भी कि यहाँ आप सामने मत लगाइए, बाबा जी की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, उनका अपमान हो रहा है, आप कहीं साइड पे लगा सकते हैं इसको। या हमने सरपंच जी को भी बोला है कि इन ठेलों का अलग से कहीं उचित व्यवस्था किया जाए, जहाँ पर वो ये सारे ठेले लगाएं। फिर भी अभी तक ये हमारी जो मांगे हैं नहीं पूरी हुई है, इसके लिए हम चाहते हैं कि इसके लिए हमने ज्ञापन भी सौंपा है थाना प्रभारी जी को और सरपंच जी को और विधायक जी को। हम लोग युवा जनधारा संगठन का पूरा टीम है, मैं देवनारायण बंजारे, हम लोग यूथ आइकन बाबा स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करते हुए उनका जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे कुछ समस्याएं हैं, यहाँ पर लगने वाले ठेले चौपाटियाँ खान पान कूड़ा करकट को अंदर बाबा साहब की प्रतिमा की ओर डाल देते हैं, जिस वो जो बहुत ही अशोभनीय है, जिसका विरोध हम करते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ के प्रतिनिधि महोदय, विधायक महोदय और सरपंच महोदय और थाना प्रभारी से कि जो यहाँ लगने वाले ठेले हैं उसको उचित स्थान देकर उन लोगों को वहाँ लगाया जाए। और यहाँ होने वाले आवाजाही में भी समस्या आ रही है, जिसको रोकथाम हो सके। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.